Bye. Couples and Christmas trees, gift wrapping and cheer. Just the worst. Good morning, प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे. सुबह हुई है एंड मैंने ज़्यादा पिछले 5 दिन से यहाँ पे धूप नहीं निकली है. धुंध वाले दिन थे, यू नो, फॉगी डेज. एंड मुझे फॉगी डेज अच्छे ठीक लगते हैं यार. वैसे दिन सनी ज़्यादा हो तो मज़ा आता है, क्योंकि फिर गर्मी हो जाती है, लाइक अच्छा वेदर हो जाता है. पर बिकॉज ऑफ दिस फॉग ठंड है. सो आज हम सुबह सुबह रेडी हो गए हैं, वो इसलिए क्योंकि आज मेरे देवर के बच्चों के स्कूल में फंक्शन है एंड वो परफॉर्म करने वाले हैं दोनों ही. एंड हम वो बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि प्लीज़ आप आना और हमारा फंक्शन देखना, हमें परफॉर्म कर दो. तो वहाँ पर जाने वाले हैं हम. अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ी बीमार हो गई हूँ, क्योंकि मेरे देवर की जो बेटी है वो कुछ खा रही थी, वो आधा उसने खाया आधा मैंने खा लिया, लाइक कंटेमिनेशन हो गई एक दूसरे से. क्योंकि उस थोड़ा सा उसका ना स्टार्टिंग था कोल्ड का एंड कफ का, तो मुझे भी वो हो गया. तो कल वाला दिन मेरा अच्छा नहीं था, बट हम डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर नहीं मिला. पर मैंने ऐसे ही रैंडम जो मैं चीज़ें करती रहती हूँ मेरे कोल्ड के लिए, तो मैंने खाई, कंजेशन थोड़ा बेटर हो गया, पर गला में थोड़ा दर्द था. सो या अब कल से काफ़ी बेटर है, क्योंकि हमने आते समय फ्लू शॉट लिया था, जिससे क्या होता है कि आपकी जो बीमारी है सीवियर नहीं होती, आप जल्दी रिकवर कर जाते हैं किसी भी वायरस से, लाइक हेल्प करता है फ्लू शॉट. सो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्लू शॉट ले लें, ताकि बीमार ना हो. क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं आप बीमार बिल्कुल नहीं होना चाहते, क्योंकि आप हर दिन का लुत्फ उठाना चाहते हैं. अगर बीमार हो जाएंगे तो ख़राब हो जाएगा. सो मैं रेडी हूँ ऑलरेडी. मैंने ना सूट शर्ट नहीं पहना, क्योंकि फिर उसमें मुझे ठंड लगती है. मैं मोटे कपड़े पहने हैं, कोटी पहनी है, अच्छी पैंट पहनी है, उसके अंदर भी मैंने लेगिंग्स पहनी है, एंड देन मैं कोट भी पहनूंगी. मैंने ना सूट सिलने के लिए दिए हैं, 3 दिए थे, उनमें से एक सूट काइंड ख़राब है, क्योंकि उसका कपड़ा ऐसे टेढ़ा है. तो मुझे लगा कि क्या फ़ायदा सिलाने का टेढ़े कपड़े को, रहने देते हैं, वही सिलाते हैं जो सीधा है. क्योंकि सिलाई के पैसे भी पे करने और उसके बाद वेट को उठा के लेके जाना, वही चीज़ें लेके जाओ जो एक्चुअली आपको पसंद. पर जो जिस टेलर को मैंने कपड़े सिलने के लिए दिए हैं वो लाइक अच्छा टेलर है, कि आपको जल्दी चीज़ें दे देते हैं. मेरा ना नोज रनी है, वेट, ओ गॉड, बीमार होना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. पर मैं बहुत ही ग्लैड हूँ कि मैंने फ्लू शॉट लिया था, अदरवाइज मैं बीमार होने वाली थी. बहुत ही मज़ेदार, अब फीवर नहीं हुआ है मुझे. ओके, सो क्या बोलने वाली थी, ज़्यादातर टेलर क्या करते हैं, सूट ले लेते हैं, ले ओके ओके, दे देंगे, पर फिर हज़ारों महीने लगा देते हैं, होता ही नहीं है. बट ये लेडी को जिसका मैंने दिया है कपड़े सिलने के लिए, उसने एक मेरा सूट ऑलमोस्ट तैयार कर दिया और वो लेके आई थी घर में कि ट्राई कर लो, तुम्हें अच्छी लगती है फिटिंग, तो फिर वो दूसरा भी सिल देंगे. मैंने कहा कि वाह, दूसरे दिन ही लेके आ गई, दैट्स नाइस. सो ये है स्टोरी अबाउट माई सूट, एंड अभी सूट की मैंने शॉपिंग करनी भी है. ओके, जब मैंने इंस्टाग्राम पर पूछा था ना कि मैं क्या करूँ, मुझे कोई भी शॉपिंग के लिए लेके नहीं जा रहा है, तो आपने कहा कि रिक्शा करो, उस रिक्शे वाले बंदे का फ़ोन ले लो और उसे फ़ोन करके बुला लिया करो, उसी के साथ चले जाया करो. आइडिया ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, वेरी स्मार्ट. ये मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कोई भी नहीं है मुझे लेके जाने के लिए. हस्बैंड होड़ी हवा में उड़ते रहते हैं जब वो यहाँ पर आ जाए, एंड उसे उन्हें बहुत ऑकवर्ड लगता है मुझे बाज़ारों में घुमाना. और मेरा अपना शहर हो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पता है कि मुझे कहाँ पर जाना है, या मेरी मम भी आ सकती है, वो वेली हैं आने के लिए. बट मदर इन लॉ वेली नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, क्योंकि दोनों भाई एंड उसकी देवर एंड देवरानी दोनों जॉब करते हैं, तो उनके बच्चों की टेक केयर मम्मी करती हैं. छोटे छोटे हैं ना वो, 5 है, 1 है, 7. सो मम्मी मेरी वेली नहीं है मुझे घुमाने के लिए, एंड ये स्टोरी है. पर या मुझे रिक्शे वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा, वो मैं कर सकती हूँ. ओके, यहाँ पे मुझे लगता है कि बाइक सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि वो भीड़ में से ऐसे 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 निकल जाती है और पार्किंग भी आपको आराम से मिल जाएगी. गाड़ियाँ ऐसे स्टक हो जाती हैं एंड पार्किंग भी नहीं मिलती और भीड़ी गलियों में जा नहीं पाती है, तो मुझे बाइक अच्छी लगती है. पहले मैं ना मेरे पास बाइक थी एक्टिवा, बहुत शू 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 चलाती रहती थी, पर अब मुझे डर लग रहा है अगर मैं चलाना सीख लूँ तो फिर मैं किधर भी जा सकती हूँ. सो मेरे हाथ कट गए हैं दोस्तों. ओके, सो मुझे लग रहा है हस्बैंड आ गए, वो जिम गए थे, अभी वो भी जाएंगे हमारे साथ फेस्टिवल फंक्शन देखने के लिए. मैं आपको भी दिखाऊंगी थोड़ी झलकियाँ. ओके, सो इंडियन स्टाइल कॉफ़ी ले लिया मैं, चॉकलेट पाके. मैं
सिस्टर्स तो आज फंक्शन देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे हल्दीराम्स. हमारे घर के 30-40 किलोमीटर दूर है ये हल्दीराम्स. ये पठानकोट है. ओके, ये पठानकोट है. एंड तो हम यहाँ पे ओके दोस्तों, तो अब हम आए हैं पठानकोट में हल्दीराम्स में खाने के लिए. हल्दीराम्स हम पहली बार खाने वाले हैं. मैं आपको बताऊंगी मुझे कैसा टेस्ट लगा. हमने 3 डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर की हैं, चना भटूरा और हिम्मत एंड डोसा एंड थाली. उसके फ्लेवर्स टेस्ट करके आपको बताएंगे कैसे लगे. कुछ स्नैक्स खाएंगे उसके बाद यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बारबेक्यू नेशन है, वहाँ पे जाएंगे एंड हस्बैंड खाएंगे अपना फेवरेट नॉनवेज. हमने यहाँ पे 2-3 चीज़ें ऑर्डर की हैं, वो खाएंगे. चना भटूरा किया है, डोसा किया है एंड ऑल्सो हमने किया है मिक्स थाली. सो सारे बच्चे शेयर करेंगे. आपको मैंने बताया ना कि मैं बीमार होगी रूबानी से. रूबानी को सिम्टम लेटर आए हैं, अब वो बीमार हो रही है. सेम सिम्टम है हमारे दोनों. वी वर वेटिंग फॉर यू. हाँ जिन्ना खाई मतलब भटूरे खाई. It's been a week, but it feels so much longer. And knowing that you're not alone makes it harder. They say to wait as long as it takes, but you didn't wait. You're eating KFC today. Oh, are you a chicken? Oh, nom nom. स्टॉप के एफ सी. हम गए थे बारबेक्यू नेशन पर, वहाँ पर हमने खाया नहीं क्योंकि वहाँ पर बफे है और हमें पता नहीं था. सो इतनी हमें भूख नहीं है कि हम बफे खाएं. तो बच्चों के लिए हम के एफ सी खाएँगे एंड बारबेक्यू नेशन हम दोबारा आएंगे कभी, क्योंकि हमने सुना है कि बहुत अच्छा है फ्लेवर का. तो दोबारा आएंगे, पर नाउ वी आर इन के एफ सी. क्या हमारे साथ धोखा हुआ? ओके दोस्तों, तो इन कनाडा हस्बैंड कभी भी खाते नहीं है के एफ सी, पर इतना तो मैं के एफ सी के बिना जी नहीं सकता. मैं अब क्या हुआ है कि उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा मिर्ची डाल दी. हमारे बच्चों ने खाया नहीं. उन्होंने कहा कि रेगुलर जो स्ट्रिप्स हैं उसमें उन्होंने बंद हो गई हैं 3 महीने पहले. अब जो भी है वो पेरी पेरी है. सो अब ये बंदा कंप्लेंट करने गया था और चेंज करवा रहा है. अब बैठा है अपने चिकन स्ट्रिप्स की वेट में. अब पछता रहा है, मत्थे पे हाथ मार रहा है कि कितने गलती कितने होगी. वेट कर रहे हैं कि हम रिप्लेसमेंट में क्या देने वाले हैं. उसके बाद केसर वाला दूध फ्रॉम हल्दीराम्स एंड हम भी पी लेंगे क्योंकि हमारे गले में भी खराश है. सो उन्होंने ना डोर के अंदर आते ही वो दूध की कढ़ाई लगाई है वहाँ पे, काट काट के लोगों को कुल्लड़ जी दिन पे ना. सो वहाँ पे बैठ के उसका मज़ा लेते हैं. एंड मेरे हस्बैंड की भाई की जॉब, मेरे देवर की जॉब यहीं पर है, तो वो थोड़ा सा थोड़े आवर्स के बाद वो फ्री होगा, तो फिर वो हमें थोड़ा एरिया घुमा देगा आसपास एंड देन हम रवाना होंगे घर की तरफ. क्योंकि आज वो हमारे साथ नहीं आएगा क्योंकि आज की उसकी नाइट को भी ड्यूटी है. और आप जानना चाहेंगे कि वो क्या करता है, मैं बता नहीं सकती. वो रॉक का एजेंट है गाइस. वो इंटेलिजेंस में है, वेरी इंटेलिजेंट गाय, नॉट लाइक हस्बैंड. सो या वो पता नहीं कुछ तो करता है, वो ऐसा कुछ ही करता है वो. तो उसकी रात को जॉब है ना, तो वो कल सुबह वापस आ जाएगा घर. It's been a week but it feels so much longer. And knowing that you're not alone makes it harder. They say to wait as long as it takes. ओके दोस्तों, तो हमने हल्दीराम से पिया है केसर वाला दूध, बहुत ही मजेदार था. पर मेरे लिए बढ़िया टेम्परेचर सी, मैं लगा तो दिल ठंडा होना है ना, क्योंकि तो सड़दा सड़दा पी लिया.
पर यार अच्छा लगा, काफी अच्छा फ्लेवरफुल था एंड वो केसर भी ऐड कर रहे थे लेटर। पहला मैंने लगा उन्होंने कलर ही ऐड किया होगा। शुगर ठीक ही, मैं नहीं पाई। हां वही होती, दूध की मिठास वधिया ही। सो यस, ये है स्टोरी हमारी अब तक। अब हम पता नहीं क्या आलतू फालतू काम करेंगे जब तक ब्रदर इन लॉ हमारे साथ नहीं आ सकता, फिर वो उसके साथ एक अद्धी चीज देख लेंगे, देन हम घर के लिए रवाना होंगे। हमारा घर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, पास नहीं है, चार चिंता नहीं। There's no way around it, except for just one, but it seems like you found it. You moved on too fast without looking back. ओके, सो अब हम आए हैं, इस प्लेस का नाम है माधोपुर और यहाँ पे आप रिवर देख सकते हैं और थोड़ा बच्चों के लिए फन है और खाने के लिए आई डोंट नो हम यहाँ पे खाएंगे या नहीं क्योंकि हमारा पेट तो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो यहाँ थोड़ा समय यहाँ पे स्पेंड करते हैं क्योंकि हस्बैंड का भाई मेरा देवर अभी तक भी फ्री नहीं हुआ है। सो उसकी वेट करेंगे यहाँ पे बैठ के, चाय का एक कप पीते हैं। चलो दोस्तों, चाय का कप ना आपको पूरा मज़ेदार मिलता है बट यहाँ खंड बहुत पानी हर पास। सो हम पीने वाले हैं चाय क्योंकि खाना जो हम खाएंगे वो भाई के साथ खाएंगे एंड वैसे भी हमने थोड़ा सा पेट भर लिया। वैसे वहाँ पे हम केसर वाला मिल्क पी के आए, वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं था पर मुझे स्वादिष्ट लगा। पर यहाँ पे अब थोड़ा गर्मी लेते हैं एंड ये रिवर के व्यू को अपने अंदर तक समा लेंगे मेरे पति एंड फिर मुझे अपनी अक्खा से दिखाया करेंगे कि दादा लगा। हस्बैंड उदास हैं दोस्तों। अख पारा गे जी शॉटिंगा ने लड़े दिलां ते निशाने सिद्धे मार दिया अनलिमिटेड चल दे आवाज़ दी लिमिटेड अकाउंट ने ब्रेथ रे गेस हूज बैक सिद्धू मूसे वाला तेरे छाती पुलिस मैनू ठीरी आखदी नी तेरे हुट दे ने मुंडे मैनू गोंड मार दे छाती पुलिस मैनू ठीरी आखदी नी तेरे हुट दे ने मुंडे मैनू गोंड मार दे Lara, Lara, Daddy, Fire. They saw you earlier. Okay, I know. But my it wasn't good because the it was spicy. But my mom made it not spicy by asking them the Australian bakery from Uncle Vishu is. गाइस ये बंदा कुछ कुक कर रहा है, पता है की करेगा बहुत। तो ये रसोई च की कुक करने लग गए। ऑलराइट दोस्तों, तो हम घर पहुंच चुके हैं एंड प्लान था खाने का बट वो सारा कुछ कैंसिल हो गया क्योंकि हमारे मेरा देवर आया नहीं हमारे साथ। वो कह रहा है कि फिर कभी करेंगे प्लान हम क्योंकि वो बिजी है अपनी जॉब पे। सो हम घर आ गए, आते समय हम ऑस्ट्रेलियन बेकरी पे रुके जैसे आपने देखा और उसके बाद अभी खाने की दिल नहीं कर रहा है तो वी आर डन। हस्बैंड बॉयल अंडे खाने वाले हैं, मैं जो केक लेके आई हूँ वो हाफ खा लूँगी। सो हम आज वी आर डन फॉर द डे। सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं एंड अगर आप इस एरिया में रहते हैं तो ऑस्ट्रेलियन बेकरी को ज़रूर से विजिट करें। मैं मिलूंगी आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर। स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। यू गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। बाय।